हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी और एफटीआर के इस सीरीज़ में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे, यानी कि मॉडर्न छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आंसर सेशन में ये हमारा तीसरा वीडियो होगा और हमने 1910 यानी 1910 तक की सीरीज़ हमने देख चुके हैं। आज हम 1910 से कोशिश करेंगे 1930 तक के क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज या ईयर वाइज ख़त्म करें, क्योंकि इतने कम समय पर मुझे पता है कि इन चीज़ों को हम एकदम विस्तृत तरीके से या डिटेल तरीके से नहीं पढ़ सकते। बट मेरी कोशिश ये रहेगी क्वेश्चन आंसर बेस में थोड़े थोड़े उनके आइडियाज़ आपको मैं बताते चलूँ, ठीक। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस को फॉर्म करना होता है ताकि वो इवेंट कनेक्ट हो आपसे, ठीक है। इसमें कमेंट्स में कई लोगों के कुछ बातें थी जिनमें कुछ लोगों को कंटेंट ज़्यादा लगता है, कुछ को ऐसी समस्या है कि थोड़ी फास्ट हो रही है, कुछ को ऐसी समस्या है थोड़ी स्लो हो रही है, किसी को समस्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, किसी को समस्या है क्वेश्चंस कम हैं, ठीक, किसी को समय पे समस्या है। तो समस्याएं तो हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है, आप अपने हिसाब से देखिए। अगर किसी को लगता है कि हम ज़्यादा टाइम दे दे रहे हैं तो पहले देख लीजिए कि हाँ कौन से टॉपिक में वीडियो आया हुआ है, उससे आप अपनी थ्योरी कंप्लीट करिए, अपनी स्पीड 1.75x करिए और उसको फिर फटाफट करके ख़त्म कर लीजिए एज अ रीजन पर्पस। ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। साथ ही साथ बहुत से सॉल्यूशन होते हैं और आप इतने सक्षम है कि उन सॉल्यूशन या उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान आप खुद ढूंढ लेंगे, ठीक। चलिए तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बाकीपुर कांग्रेस अधिवेशन, प्रश्न क्रमांक एक। बाकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। चलिए तो कौन है भैया? तो बाकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से भाग लेने वाले व्यक्ति थे, पहला वामनराव लाखे, नहीं, इनका जो कार्य क्षेत्र था ध्यान रखेंगे रायपुर, रतनचंद बागड़ी, बिल्कुल नहीं, इनका भी रायपुर, तीसरा पंडित रामगोपाल तिवारी, इनका जो कार्य क्षेत्र था वह था मुंगेली, और चौथे हैं बद्री प्रसाद साव, ये थे बिलासपुर से, ठीक। तो इसका आंसर होगा डी, बद्री प्रसाद साव। ध्यान रखेंगे जो केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे वहाँ पर प्रांतीय स्तर से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मिलित होते थे, क्योंकि उन्हें प्रांतीय विचारधारा के साथ ही साथ प्रांत की जितनी भी समस्याएं थी उनका उनको वहाँ पर समाधान चाहिए था, पहला चीज। दूसरी बात ये थी कि उन्हें मध्य प्रांत में व्यवस्थापिका की भी क्या करनी थी, स्थापना करवानी थी, इसलिए भी ये सेंट्रल या केंद्रीय स्तर पर INC के जितने कन्वेंशन होते थे इन सभी क्षेत्रों से, यानी कि मध्य प्रांत के सभी क्षेत्रों से लोगों का वहां पे पार्टिसिपेशन या प्रतिनिधित्व हमें इतिहास के पन्नों में दिखता है, ठीक। तो प्रश्न क्रमांक एक का आंसर होगा बद्री प्रसाद साव। इसके साथ कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। रायपुर से कौन कौन थे? पहला वामनराव लाखे, दूसरा रामचंद बागड़ी यानी रतनचंद बागड़ी, तीसरे रविशंकर शुक्ल, चौथे बाबूराव दानी। याद रखेंगे बाबूराव दानी भी वहां गए थे रायपुर से। फिर है आपका मुंगेली से कौन कौन गए थे? पंडित रामगोपाल तिवारी और पंडित गजाधर साव, दो याद रखेंगे मुंगेली से, पंडित रामदयाल तिवारी और पंडित गजाधर साव, और बिलासपुर से आपको पता है बद्री प्रसाद साव। तो प्रश्न क्रमांक एक का जो आंसर होगा वो होगा फोर, बद्री प्रसाद साव। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दो पे। प्रश्न है 1915 के प्रांतीय राजनीतिक परिषद के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के मध्यस्थ की भूमिका किसने अदा की? पिछले वीडियो में कुछ डाउट्स थे, दो प्रकार के डाउट थे, जैसे कि टंग स्लिप होती है तो मैंने 28 अप्रैल बोल दिया, 28 मार्च के उसमें, तो याद रखेंगे जो 1907 का जो कांग्रेस का कन्वेंशन होगा वह होगा रायपुर में 28 मार्च, ठीक। और कहीं पर अगर 29 मार्च भी दिया है तो भी आप ओके करें, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो 28, 29, क्योंकि दोनों डेट को यानी कि दो दिन का यहाँ पे कन्वेंशन होता है, पहला चीज। अब ये 1907 के पश्चात जो नेक्स्ट कन्वेंशन होगा वह होगा 1915 में प्रांतीय स्तर पर, ध्यान रखेंगे। जब हम सम्मेलन की बात करते हैं तो हमें पूरे भारत छोड़िए छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में कुछ सम्मेलनों को या उनके डेट्स को याद रखना है, क्योंकि हम उससे बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के बारे में पहले मैंने तीन बताया, 1905, 1906 और 1907, ठीक। आज तीन और बताता हूँ 1915, 17, 18 के बारे में। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे तहसील स्तरीय सम्मेलन, ये आप एक बार कनेक्ट करें, और दूसरा और है जिसको हम बोलते हैं जिला स्तरीय सम्मेलन, कब रायपुर में, कब बिलासपुर में, कब दुर्ग में, इसे भी कोशिश करेंगे हम कनेक्ट करें एक आध क्वेश्चन के साथ,
ठीक। तो इस सम्मेलनों को पढ़ने के साथ ही साथ ये होता है कि वहां पे किस प्रकार के मुद्दे को उठाया गया और कैसा वहां पे प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसके आधार पर उस क्षेत्र के आसपास के सभी लोगों के द्वारा तथा वहां के जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे उनकी क्रियाविधि हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए जो सम्मेलन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, 1915 के प्रांतीय राजनीतिक परिषद के अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल के मध्य मध्यस्थता की भूमिका अदा की। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन आया कहां से, क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि 1908 में हम सभी को पता है 1907 के कांग्रेस अधिवेशन सूरत अधिवेशन में फूट पड़ जाती नरम दल और गर्म दल के मध्य केंद्रीय स्तर पर, ठीक। और उसके पश्चात नेक्स्ट जो ज्वाइंट होते हैं कौन, नरम दल और गर्म दल वाले, 1915 के आसपास होते हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस एकजुट होकर आगे बढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाती है उसका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक प्रभाव हमें यहाँ पे यानी कि मध्य प्रांत में भी दिखता है। मध्य प्रांत में ये भूमिका जो निभाई वह निभाया था ई राघवेंद्र राव ने। किसने? ई राघवेंद्र राव, ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक दो में इसका आंसर होगा ई राघवेंद्र राव। चलिए 1907 में याद रखेंगे यहां पे प्रमुख भूमिका के रूप में कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, वही नरम दल गरम दल को मना रहे थे, ठीक। 1915 में भी इन्होंने क्या किया, यहां पर भी मनाना था, मना के एकजुट करने का कार्य किसने कर दिया, राघवेंद्र राव साहब ने, ठीक। राघवेंद्र राव को कभी भी आप पढ़ें तो उनकी इमेज आप थोड़ी सी पंडित नेहरू की तरह बना के इमेजिन करके चलें तो आपको जल्दी से उनसे रिलेटेड इवेंट्स आपको याद होंगे, ठीक है। चलिए और बाकी लोगों के बारे में बात करते हैं। ठाकुर प्यारेलाल कहाँ से थे ये आपको पता है, ई राघवेंद्र राव कहाँ से थे, बिलासपुर से, ये भी आपको पता है, इसका आंसर आपको पता है। थर्ड, नलिनीकांत चौधरी के बारे में, नलिनीकांत चौधरी जो थे वो दुर्ग के बहुत बड़े नेता थे और वह घनश्याम सिंह गुप्त के साथ उन्होंने केंद्रीय स्तर की राजनीति की थी, मध्य प्रांत से भी आगे बढ़ के उन्होंने केंद्रीय स्तर की राजनीति की। तो नलिनीकांत चौधरी के बारे में आप ध्यान रखेंगे, कहाँ के हैं ये, दुर्ग के, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। ये 1906, 1907, 1908 के समय यहाँ के सक्रिय राजनेता के रूप में हमें दिखते हैं। नेक्स्ट है श्री नागेंद्र नाथ डे, इनका नाम इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया क्योंकि इनसे भी रिलेटेड एक फैक्ट है। याद रखेंगे जब असहयोग आंदोलन में लोगों के द्वारा उपाधियों की त्याग की जाती है तब राय बहादुर की उपाधि का त्याग, किसका, राय बहादुर की उपाधि का त्याग करने वाले व्यक्ति हैं श्री नागेंद्र नाथ डे, क्लियर। चलिए इसके साथ ही हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि और क्या क्या फैक्ट्स हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब नरम दल गरम दल एक हुए तब इस तरह से यहाँ पे प्रांतीय स्तर पर भी यहाँ के विषयों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए पुनः यहाँ पर इन किसकी आवश्यकता महसूस की गई, इस प्रकार के राजनीतिक सम्मेलनों की आवश्यकता महसूस की गई। तब दादा भाई नौरोजी ने अपना स्टेटमेंट, अपना कथन दिया था, किसने, दादा भाई नौरोजी, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द दादा भाई फावड़े, ठीक। तो दादा भाई नौरोजी ने अपना कथन ये दिया कि जो नेक्स्ट 1915 में जो राजनीतिक सम्मेलन होगा यह क्रम में चौथा होगा, क्योंकि क्रम में तीसरा जो हुआ था वो 1907 रायपुर का अधिवेशन था, तो क्रम में जो चौथा होने वाला है वह होने वाला है 1915 में, ध्यान रखेंगे। और यह किसकी अध्यक्षता में होता है, यह होता है विष्णुदत्त शुक्ल की अध्यक्षता में इस सम्मेलन को किया गया, कौन सा, फोर्थ यानी कि चौथा या चतुर्थ प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन। और उसके पश्चात ध्यान रखेंगे 1917 में कब, 26 अगस्त के आसपास यानी अगस्त 1917 में डॉक्टर हरी सिंह गौर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर हरी सिंह गौर की अध्यक्षता में यहां पर फिफ्थ राजनीतिक सम्मेलन होगा। और फिफ्थ के बाद आप ध्यान रखेंगे सिक्स राजनीतिक सम्मेलन, यहां पर हम देखेंगे कब, 30-31 मार्च, ठीक, 30-31 मार्च 1918 में हरिदास, किसके, हरिदास की अध्यक्षता में हम यहाँ पर देखते हैं। तो ध्यान रखेंगे फिफ्थ और सिक्स दोनों की अध्यक्षता जो होती है वह होती है हरि सिंह गौर और हरिदास के द्वारा, और यह होता है आपका रायपुर में, यानी कि फोर्थ नागपुर में हुआ एंड फिफ्थ एंड सिक्स का जो सम्मेलन था उसको रायपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक। तो विष्णुदत्त शुक्ल, हरि सिंह गौर एंड हरिदास, करेक्ट होती बात यहाँ पे। चलिए तो 30-31 मार्च 1918 यहाँ पर इस सम्मेलन का जो प्रमुख बिंदु था, इस सम्मेलन का जो प्रमुख बिंदु था वह बिंदु जो था इसको हम आने वाले एक क्वेश्चन में देखेंगे, बस इसको यहाँ तक आप याद रखें इस सम्मेलन को, ठीक है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवान हटाओ आंदोलन, दीवान हटाओ आंदोलन कहाँ और किसके द्वारा या किसके द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल बनाया गया, यानी कि दीवान हटाओ आंदोलन कहाँ और किसके द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल बनाया गया। ऑप्शंस को देखें, जहाँ के जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, मैंने उनका प्लेस लिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा क्या,
इसका आंसर होगा डी, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारे लाल के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे उस समय रियासतों में अंग्रेजों के द्वारा दीवान नियुक्त किए जाते थे, ठीक, जो उनकी कठपुतली होते थे, और इन दीवानों के द्वारा जनता का शोषण होता था, इनके द्वारा जनता का शोषण होता था। तब कुतुबुद्दीन, कौन, कुतुबुद्दीन नामक एक दीवान 1914 के आसपास राजनांदगांव रियासत में थे, ठीक, और यहाँ पर इनके द्वारा जनता को क्या किया जा रहा था, शोषित किया जा रहा था। आखिर बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाती, तो यहाँ पर ये आंदोलन का की जो अगुवाई थी वो किसने कर दिया, ठाकुर प्यारे लाल जी ने आंदोलन की अगुवाई किया, और इस आंदोलन को इन्होंने सफल बनाया, यानी कि इन्होंने पत्रवार्ता की और कुतुबुद्दीन नामक दीवान को इन्होंने हटवा दिया था अंग्रेजों से सिफारिश करके, ठीक। तो यह आंदोलन ठाकुर प्यारे लाल के नेतृत्व में राजनांदगांव में होता है, अतः इसका आंसर होगा डी। प्रश्न क्रमांक तीन, के बाद हम चलते हैं आप प्रश्न क्रमांक चार पे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ये सिर्फ याद करने हैं, इसमें किसी चीज़ को समझाने वाला नहीं है, तो याद करिएगा। पहला स्टेटमेंट, 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ। दूसरा, इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहब दानी ने की थी। और तीसरा, सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, ठीक। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इसको और बना के पूछ सकता है कि रायपुर के टाउन हॉल पे कब मालगुजारों का सम्मेलन होता है, तो 1915, जैसे कि मैंने अभी दीवान हटाओ आंदोलन बताया वो 1914 का बताया, उसके पहले 1915, अभी हम 1915-14 इन यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक जो चार है उसका जो आंसर होगा केवल एक, यानी कि आंसर होगा डी, ठीक, यानी कि 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का क्या होता है, सम्मेलन होता है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 5, पहली तहसील राजनीतिक सम्मेलन कहाँ हुई थी, इसके साथ हम दूसरी वाली को भी देखेंगे। तो पहली राजनीतिक सम्मेलन, तहसील राजनीतिक सम्मेलन जो हुई थी वह धमतरी में हुई थी, और धमतरी में ही मई 1918 में पहली राजनीतिक सम्मेलन होती है, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, कहाँ होती है ये, धमतरी में। धमतरी में कब होती, मई 1918 में, याद रखेंगे। और यहाँ पे इसकी अध्यक्षता जो किया था वो माधवराव सप्रे ने किया था, ये चीज़ को ध्यान रखें। इनके सम्मेलनों के अध्यक्षता किसने किया वो आप ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ तहसील स्तर सम्मेलन जो होता है हमारे यहाँ, पहली तहसील स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे होगी, वह होगी धमतरी पे, धमतरी में कब होगी, मई 1918 पे, ठीक। और दूसरी तहसील स्तरीय सम्मेलन जो होगी वो भी कहाँ होगी, आपकी धमतरी में, और वो कब होगी, मई 1919 में, करेक्ट होती बात। दोनों के रीजंस अलग थे बट प्लेस सेम था, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे माधवराव सप्रे के द्वारा, किसके द्वारा, माधवराव सप्रे के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, और यहाँ पे दादा साहब खापड़े के द्वारा, ठीक। तो यहाँ से और क्वेश्चंस बन रहे हैं, देखिएगा। पहला, धमतरी में पहली तहसील स्तरीय राजनीतिक सम्मेलन मई 1918 में माधवराव सप्रे की अध्यक्षता में, और द्वितीय धमतरी तहसील सम्मेलन मई 1919 में दादा साहब खापड़े की अध्यक्षता में, ठीक। और याद रखेंगे पहले में जो मेन पॉइंट था, वह था ब्रिटेन को युद्ध में, सहयोग ना करना स्वराज एवं राष्ट्रीय शिक्षा की प्राप्ति के लिए इन्होंने तहसील स्तर पर प्रस्ताव पारित किया था, ताकि लोगों को जोड़कर ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्या कर सके, लड़ाई कर सके या विरोध प्रदर्शन कर सके, ठीक। तो वहीं, और दूसरी धमतरी तहसील स्तरीय राजनीतिक सम्मेलन के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब ये मई में होता है, बट इस मई 1919 के पहले केंद्रीय स्तर पर बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि रोलेक्ट एक्ट का लागू होना, रोलेक्ट एक्ट 1919 का क्या होना, लागू होना। रोलेक्ट एक्ट लागू होता है, आप सबको पता है कि 1917 में रोलेक्ट समिति बनती है, 1918 में इसे संसद में पेश किया जाता है, और फैब 1919 में पे चर्चाएं होती हैं, तथा यह मार्च 1919 पे यह लागू हो जाता है, यानी कि अनिश्चित काल तक किसी को भी बिना कारण बताए गिरफ्तार कर देना, यही इसका मेन उद्देश्य था, किसका, रोलेक्ट एक्ट का। तो मार्च 1919 में यह लागू हो जाता है, तो यानी कि पहला विरोध किसके कारण हुआ, रोलेक्ट एक्ट का विरोध होगा, किसमें, सेकंड वाले में। दूसरा, इस रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही से के ही कंटेंट में हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो कब था, 13 अप्रैल
1919। अब पूरे देश में दो बड़ी ऐसी घटनाएं हैं, एक रोलेक्ट अटैक और दूसरा 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इन दोनों में पूरे देश में आक्रोश दिखता है और वह आक्रोश हमें दूसरी धमतरी तहसील यानी दूसरी राजनीतिक सम्मेलन किस कौन से स्तर की धमतरी में तहसील स्तर की मई 1919 में दादा साहब खापाडे की अध्यक्षता में भी देखने को मिलती है। तो पांचवा क्वेश्चन था उसका आंसर होगा बी धमतरी मई 1918। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय तहसील स्तरीय राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ? मैंने बताया आपको कब होगा ये, इसका आंसर होगा ए धमतरी मई 1919। किसकी अध्यक्षता में? दादा साहब खापाडे की अध्यक्षता में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रायपुर में हुए खिलाफत आंदोलन में यह कथन किसने कहा था? कथन देखिए, रायपुर में हुए खिलाफत आंदोलन में यह कथन किसने कहा था? अब हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं रहे वरन कट्टर हिंदुस्तानी बन गए हैं। मतलब यहाँ किसी धर्म विशेष के बारे में ना हो के हम एक राष्ट्रीयता के परिचय या राष्ट्र धर्म के परिचय को बताने की कोशिश कर रहा है या कथन जो है। ठीक, तो इस कथन को किस व्यक्ति के द्वारा सभी लोगों के सामने बोला गया? क्वेश्चन का आंसर ये है, तो हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं रहे वरन कट्टर हिंदुस्तानी बन गए। पहला अकबर खां, दूसरा रविशंकर, तीसरा वजीर खां, चौथा हकीम अजमल खां। कौन होंगे इसमें? इसका आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक, याद रखिएगा 17 मार्च 1920। कब? 17 मार्च 1920 को जब रायपुर में जिला राजनीतिक सम्मेलन होता है तब यहाँ पर एक खिलाफत समिति बनाई जाती है और इस खिलाफत समिति को संबोधित करने राष्ट्रीय खिलाफत नेता, कौन? राष्ट्रीय खिलाफत नेता असगर अली जी आते हैं और असगर अली जी के संबोधन के पश्चात रविशंकर शुक्ल ने पूरी जनता को संबोधित करते हुए ये कथन कहा था। फिर उसके बाद बिलासपुर में जो राजनीतिक सम्मेलन होती है जिसको पहला राजनीतिक सम्मेलन कहा जाता है, इसके बारे में बात करूंगा जिले राजनीतिक सम्मेलन के बारे में। तो बिलासपुर के जिले राजनीतिक सम्मेलन 1920 में जब ये होती है तब याद रखेंगे खपरगंज स्कूल में, कहाँ पे? खपरगंज स्कूल में एक खिलाफत उप समिति का गठन किया जाता है। अच्छा, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था डॉक्टर मुंजे। ठीक, चलिए रायपुर वाला अलग हुआ, ठीक, बिलासपुर में जो राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था जिला स्तर में वहां पे डॉक्टर मुंजे की अध्यक्षता में सम्मेलन हो रहा था, इसी में से ही निकल आता है क्या? खिलाफत उप समिति। अब वो खिलाफत उप समिति के कोई नेता होंगे, ठीक, कोई ना कोई तो नेता होगा ही, कोई ना कोई राजनेता होगी, तो उसमें जो राजनेता थे वह थे अकबर खान, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, अकबर खान, वजीर खान और हकीम अजमल खान। यानी ये जो तीन लोग हैं, ये तीन लोगों के द्वारा बिलासपुर में हम क्या देखते हैं? आपके खिलाफत आंदोलन को इनके द्वारा नेतृत्व करते हुए हम बिलासपुर में देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी रविशंकर शुक्ल के द्वारा। तो टू द पॉइंट याद रखें कौन कहाँ नेतृत्व कर रहा है, उससे ज़्यादा ये जानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया है, यहाँ पर मैं पूरी हिस्ट्री तो नहीं पढ़ा सकता लेकिन कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता सकता हूँ फ्लो डायग्राम के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के बारे में जब चर्चा होती है तो छत्तीसगढ़ में जब असहयोग आंदोलन के बारे में हम चर्चा करते हैं या भारत में असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं तो ध्यान रखेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम एक NCM मूवमेंट यानी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, देन सिविल डिसओबेडिएंट मूवमेंट यानी CDM और फिर याद रखते हैं QIM। इस तरह से तीन पिल्लर में आपको अपनी हिस्ट्री को डिजाइन करना है और भारतीय इतिहास को इस तीन पिल्लर के साथ पढ़ते पढ़ते इस 10-10 साल के अंतराल में ही छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी उसके साथ आपको कोप अप करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे असहयोग आंदोलन के पहले कौन कौन सी घटनाएं होंगी और असहयोग आंदोलन के बाद क्या होगा। इस तरह से आप इस सिक्वेंस को या छत्तीसगढ़ के इतिहास के टाइमलाइन को आप आसान कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे मिल मजदूर आंदोलन, ठीक, नहर सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का आगमन, ये चार इवेंट आपको असहयोग आंदोलन के पहले देखने हैं। आप सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत दिसंबर 1920 से हो जाती है नागपुर के विशेष अधिवेशन के पश्चात और दिसंबर 1920 से लेकर चौरा चौरी कांड 1922 तक असहयोग आंदोलन चलता है, ये सभी को पता है। ठीक, तो इस असहयोग आंदोलन के बीच में क्या क्या इवेंट होंगे जरा हम उस चीज़ को समझते हैं। इस असहयोग आंदोलन के संबंध में कुछ रचनात्मक कार्य होंगे, कुछ बहिष्कार के लिए होंगे। ठीक, 1921 का माखनलाल चतुर्वेदी की गिरफ्तारी, कब? बिलासपुर से, बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन। और ध्यान रखेंगे यहीं पर
यहीं पर सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल और सुभद्रा कुमारी चौहान जो राष्ट्रीय नेता होते हैं वो छत्तीसगढ़ आते हैं। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का पहला आगमन 1921 होगा और दूसरा आगमन जो होगा वो 1935 के समय होगा। ठीक, तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, सी राजगोपालाचारी और आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान का यहाँ पर आप पॉइंट देखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अहमदाबाद कन्वेंशन दिसंबर 1921 को देखेंगे। उसके बाद यही असहयोग आंदोलन जब चल रहा है तो छत्तीसगढ़ में हम सिहावा जंगल सत्याग्रह को भी देखते हैं, क्योंकि अहमदाबाद जो कन्वेंशन होगा कांग्रेस का यानी दिसंबर 1921 का, इसमें जिन राजनेताओं ने वहाँ पर हिस्सा लिया था उन्हीं में से कुछ के द्वारा या कुछ उत्साहित लोगों के द्वारा सिहावा जंगल सत्याग्रह होता है, और यहाँ से जो छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता वहाँ सम्मिलित होने जाते हैं वो जब वापस आते हैं तो उन्हीं के द्वारा ही सिहावा जंगल सत्याग्रह को समाप्त किया जाता है। ठीक, फिर आपको पता है कि फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड, तो 12 फरवरी 1922 को चीज़ें खत्म हो जाती हैं। उसके पश्चात रायपुर में राजनीतिक सम्मेलन, स्वराज पार्टी की राजनीति, काकीनाड़ा अधिवेशन एंड देन सविनय अवज्ञा आंदोलन इन छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह। इस तरह से ये 10 साल का जो इतिहास है वो या अलग तरीके से चलेगा। ठीक, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बीएनसी मिल के बारे में, प्रश्न क्रमांक 8, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कर नीचे लिखे कूट का चयन करें। पहला, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन का प्रथम चरण 1920 में हुआ। ठीक, तो पहले हम लोग बीएनसी मिल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले जाके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसे। चलिए, तो पहले हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये बीएनसी मिल का क्या है। तो ध्यान रखेंगे 1897 पे इस मिल का नाम सीपी मिल से चेंज होकर बंगाल नागपुर कॉटन मिल हो जाता है। ठीक, क्या नाम हो जाता है 1897 पे, इसका नाम बीएनसी हो जाएगा, पहला पॉइंट याद रखें। ठीक, राजनांदगांव पे इसी बीएनसी मिल पे तीन मजदूर आंदोलन हम देखेंगे, एक होगा 1920, दूसरा होगा 1924 का, तीसरा होगा 1937 का मिल मजदूर आंदोलन राजनांदगांव। ठीक, चलिए, तीनों जो होंगे वो किसके नेतृत्व में होंगे, यह आपको पता है, ठाकुर प्यारेलाल, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, इसके नेतृत्व में होंगे, ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में। ठीक, 1920 का एक कारण, 1924 का कोई कारण, 1937 का कोई कारण, चलिए देखते हैं 1920 का कारण क्या है। कार्य करने की अवधि, किसकी अवधि, कार्य करने की अवधि 12 से 13 घंटे हो जा रही थी, मांग क्या थी 8 घंटे किया जाए। 1920 में मिल के जो मजदूर होते हैं उनकी अवधि 12 से 13 घंटे हो जा रही थी, मांग क्या थी 8 घंटे तक किया जाए एवं इसकी स्थिति में सुधार की जाए। ठीक, उनकी स्थिति में क्या की जाए, सुधार की जाए। तो 1920 याद रखेंगे, 1920 में यह आंदोलन किसके, ठाकुर प्यारेलाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता है और इसमें इनको क्या मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। यह जो आंदोलन था पूरे 37 डेज, जो कि दिसंबर 1919 से ये स्टार्ट होती है और जनवरी 1920 तक चलती है, तो 37 दिवसीय यह आंदोलन चलता है। आपको डाउट होगा, कई जगह आपको 36 डेज मिलता है, लेकिन जब आप ठाकुर प्यारेलाल जी की जीवनी पढ़ेंगे उसमें 37 डेज लिखा हुआ है। ठीक, और 37 दिन यानी कि रामकुमार बिहार की बुक में भी आपको 37 दिवसीय यह आंदोलन आपको मिलेगा। अब ये 37 दिवसीय जो आंदोलन चलता है इसके पश्चात जो मिल के अधिकारी होते हैं वो इनकी मांगे क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से यह आंदोलन आपका क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। फिर बात करते हैं 1924 के आंदोलन के बारे में, तो ध्यान रखेंगे कि 1924 में यह आंदोलन मजदूरों के द्वारा होता है और इस आंदोलन में, अच्छा 1920 के आंदोलन में ध्यान रखेंगे कि यहां पर ठाकुर प्यारेलाल जी को इस अंग्रेजों के द्वारा इस रियासत से निष्कासित कर दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे, लेकिन उन्होंने गवर्नर को या चीफ कमिश्नर को पत्र लिखकर वो निष्कासन रद्द करवा देते हैं, और यहाँ पर मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए और इन सब सारी घटनाओं को जानने के लिए 1920 में जानने के लिए जक्शन आयोग बनाया जाता है, और इस आंदोलन को देखने के लिए एक राष्ट्रीय नेता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पत्रकारिता का भी एक महत्वपूर्ण योगदान हो चला था चीज़ों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए, तब इन पत्रों से पढ़कर ही वीवी गिरी यहाँ पर आते हैं और उन्होंने यहाँ का सूक्ष्म परीक्षण किया कि किस प्रकार से यहाँ पर ये आंदोलन चल रहा है, और उन्होंने काफ़ी पत्रों पर भी इसके बारे में चर्चा की। इस तरह यह एक देशव्यापी मिल मजदूर आंदोलन हमें देखने को मिलता है।
ठीक। तो 1937 का जो आंदोलन हो गया वो सफल हो जाता है, निष्कासन रद्द हो जाता है, जक्शन आयोग बन जाता है, वीवी गिरी आ जाते हैं। अब बात करते हैं 1924 जो है, एक समय क्या होता है, मजदूरों के द्वारा रात्रि भोज रखा जाता है। तब वहां पे एक अंग्रेज सिपाही जो होते हैं वो आते हैं और वो अपने जूते से मजदूरों के जो खाना आदान प्रदान के लिए जो बर्तन वो यूज़ करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, उस पर लात मार देते हैं, जिससे मजदूर आक्रोशित हो जाते हैं। इसकी शिकायत वो पास के पुलिस थाने में करते हैं और जब ये पुलिस थानों से जब वो वापस आते हैं तो उसी वक्त जब ये पुलिस थानों से मजदूरों का जत्था वापस आता है तब वह एक मिल के भ्रष्ट कर्मचारी जिसका नाम था बाबू गंगाधर राव को इन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर के द्वारा तमाचा मार दिया जाता है। ठीक, शिकायत करने गए, पहले इन्होंने किया, फिर शिकायत करके जब आ रहे थे तो सारे के सारे मजदूर गुस्से में थे। तब बाबू गंगाधर राव जो कि मिल का एक भ्रष्ट कर्मचारी था, वहां पर ये लोग क्या कर देते हैं, जो हमेशा अंग्रेजों की गुलामी करता था, तो इसको इन्होंने एक बहुत ही जम के तमाचा मारा बाबू गंगाधर राव को। और इसके पश्चात ये शिकायतें होती हैं और यहाँ पर 13 मजदूरों के खिलाफ वारंट जारी होता है। और वारंट जारी होने पर याद रखें गोलियां चलती हैं, और गोलियां चलने पर एक मजदूर जो होता है उसकी डेथ हो जाती है, और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे 12 मजदूर जो होते हैं घायल हो जाते हैं। और यह आंदोलन को फिर आगे ठाकुर प्यारेलाल जी लेकर जाते हैं और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, इनको यह आंदोलन को भी सफल बना लिया जाता है 1924 के आंदोलन को। लेकिन इसका एक रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पर अब ठाकुर प्यारेलाल जी का निष्कासन फाइनल हो जाता है, यानी उनके निष्कासन को रद्द नहीं किया जाता, यानी कि अब ठाकुर प्यारेलाल 1924 के पश्चात ये रायपुर में रहेंगे और रायपुर में अपने पुराने मित्र जिनका नाम है पंडित राम दयाल तिवारी उनके साथ रहकर वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे इनके नेतृत्व, इनके साथ मिलकर ये राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी रायपुर कार्य क्षेत्र से निभाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखना है कि जब 1924 के बाद आप कहाँ कहाँ इवेंट में ठाकुर प्यारेलाल अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कि क्यों यहाँ पर है, क्यों अब राजनांदगांव पर नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं 1937 पे। तो 1937 के समय में भी एक कारण था कि मिल के जो मजदूर थे उनकी सैलरी पे यानी उनके वेतन पे कटौती की जाती। भाई कटौती तो हुई, तो कटौती कितने की होगी, 10% की। पहले में अवधि, दूसरे में तमाचा, तीसरे में सैलरी। तो सैलरी जो है वो कटौती कर दी गई 10%। मान लो 100 रुपये, तो 100 का 10 यानी 90 रुपये उन्हें क्या दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही। ठीक, तो इस पे क्या किया गया, इस पे आंदोलन की बात की गई और आंदोलन के लिए इनको एक नेतृत्व की जरूरत थी। तब इन्होंने रायपुर में पंडित प्यारेलाल जी से क्या किया, संपर्क किया, लेकिन उनका निष्कासन था, वो नहीं आ सकते थे। तो ऐसा कई जगह लिखा हुआ है कि वो उन्होंने पर्चे बंटवाए, ये बंटवाया, कई जगह ये लिखा है कि राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन पे विश्राम गृह पर बैठ के उन्होंने आंदोलन को पूर्णतः क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। और एट लास्ट रुईकर नामक व्यक्ति के नेतृत्व में मिल के मालिकों से इन्होंने क्या किया, साझेदारी, यानी कि इनके मध्य क्या होता है, एक संबंध स्थापित होता है। और यहाँ पर 10% जो सैलरी होती है उसको खारिज कर दिया जाता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसी के साथ ही 1937 में ठाकुर प्यारेलाल जी का जो निष्कासन 1924 में हुआ था वो भी रद्द हो जाता है, अर्थात तीनों के तीनों आंदोलन जो थे वो क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं, पहला बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन का प्रथम चरण 1920 में हुआ, बिल्कुल सही। दूसरा, प्रथम मिल मजदूर का कारण मजदूरों के वेतन में कटौती थी, बिल्कुल नहीं, यह कारण तो तीसरे मिल मजदूर की थी, तो यह गलत हो जाएगा। तीसरा, प्रथम मिल मजदूर के समय ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया था, बिल्कुल नहीं, पहले में किया था लेकिन वो तो वापस आ गए थे। ठीक, तो दूसरे में निष्कासित कर दिया गया था, ड्यूटी मिल मजदूर आंदोलन के समय प्यारेलाल का निष्कासन वापस ले लिया गया था, गलत, पहले मिल मजदूर के समय वापस लिया गया था, द्वितीय में नहीं लिया गया था। तो इन सब को प्रश्न क्रमांक 8 पे इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका केवल और केवल एक, यानी कि केवल एक सत्य है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, और पांचवा ऑप्शन तृतीय मिल मजदूर 1926 में, नहीं, यह भी सही नहीं है। तो इसका आंसर केवल ए होगा, केवल एक सत्य है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 9 में आते हैं।
असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से जमाई है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर मैंने बताया था ये असहयोग आंदोलन था जिसमें यहाँ पे हमने बहिष्कार से संबंधित कुछ कार्य और कुछ रचनात्मक कार्य हमने देखे। जब आप गांधी की विचारधारा को भारतीय इतिहास में देखते हैं तो गांधी की विचारधाराएं बहुत सी हैं। उसमें एक विचारधारा ये है, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति वो अपनाते हैं, यानी संघर्ष संघर्ष के पश्चात विराम विराम के बाद संघर्ष, यानी कि वह जो जन आंदोलन है उस संघर्ष के दौरान उनकी जो एनर्जी की हानि होती है, उनकी जो ऊर्जा की हानि होती है, जब वो विराम करें और विराम के समय वो जब रचनात्मक कार्य करें तब उनकी ऊर्जा में और क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। ठीक, तो उनकी ऊर्जा की वृद्धि और उस आंदोलन को काफी लंबे समय तक चलाने के लिए ही गांधी जी का यह सिद्धांत काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और यह संघर्ष विराम संघर्ष की सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित होता है। साथ ही साथ एक उनके कुछ रचनात्मक कार्य होते हैं। ठीक, आप लोग भारतीय इतिहास में सारी चीज़ों को देखते होंगे तो यहाँ पर फिलहाल हम इसमें देखते हैं असहयोग आंदोलन निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से जमाइए क्या क्या होगा। पहला, रायपुर में मद्य निषेध का कार्यक्रम। दूसरा, रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, तो रायपुर में मद्य निषेध कार्यक्रम होगा आपका 7 फरवरी 1921 को, किसके द्वारा, सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। ठीक, रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना कब, 4 मार्च 1921 किसके द्वारा, शिवदास डागा। याद रखें, नाम को याद रखेंगे शिवदास डागा जी का, क्योंकि जब मैं इलेक्शन के बारे में बात करूंगा तब मैं इनको फिर से डिस्कस करूंगा। ठीक, शिवदास डागा। तीसरा, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब, 5 फरवरी 1921 को। और फोर्थ है, रावण भाटा में स्वदेशी प्रसनी, यानी कि 7 to 15 अक्टूबर 1921, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो पहले नंबर पे पहला इवेंट 5 फरवरी, दूसरा इवेंट 7 फरवरी, ठीक, तीसरा इवेंट 4 मार्च और चौथा इवेंट 7 to 15। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा 3 के पश्चात आ जाएगा आपका फर्स्ट के पश्चात आ जाएगा आपका 2 एंड 2 के पश्चात आ जाएगा आपका 4th, यानी 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी। इनको याद रखें कौन कौन सा यहाँ पर इवेंट होगी, कौन कौन सा इवेंट होगा, कौन कौन सी घटनाएं होंगी और किसके किसके नेतृत्व में होंगी, ये आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन से संबंधित। काफ़ी लोगों ने वकालत का त्याग किया, काफ़ी लोगों ने उपाधियों का त्याग किया, कई लोगों ने विदेशी कपड़ों के बारे में क्या किया, कपड़ों का बहिष्कार किया, तो ये सारी चीज़ें आपके नोट्स एंड बुक्स में दी होती हैं, तो उसे याद रखेंगे आप। ठीक, चलिए फिर प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ रुख करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से किस व्यक्ति ने राय साहब की उपाधि का त्याग किया, तो ध्यान रखेंगे ये वामन राव लाखे ने, इसका आंसर क्या होगा, वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि का क्या किया था, त्याग किया था। और सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था कि जो आपके कौन थे, श्री नागेंद्रनाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। ठीक, तो वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था। यह उपाधि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इनको प्रदान की गई थी, ऐसे लोगों को प्रदान की जाती थी जो समाज में अपनी पकड़ रखते हैं, प्रबुद्ध वर्ग रखते थे, ताकि उनकी इस उपाधि के साथ ही साथ वो जनता पर भी कंट्रोल कर सके। तो जब असहयोग आंदोलन गांधी जी की इस महत्वाकांक्षी आंदोलन के समय जब ये देखा गया, तब वामन राव लाखे के द्वारा अपना जो विरोध प्रदर्शन करना था वह प्रदर्शन इन्होंने अपनी उपाधि राय साहब की उपाधि को त्याग करके दिया, तब जनता ने इन्हें एक उपाधि और दी, लोकप्रिय की उपाधि। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जब इन्होंने राय साहब की उपाधि त्यागी तब जनता के द्वारा इन्हें लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की गई। और एक चीज और याद रखेंगे, खान साहब की उपाधि को त्याग करने वाले व्यक्ति थे काजी शमशेर खां। कौन, काजी शमशेर खां के द्वारा खान साहब की उपाधि की त्याग की गई थी। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, बताएं किसका हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअली छत्तीसगढ़ आगमन के समय लोगों को काफ़ी चीज़ें याद नहीं होती। ठीक, और इसमें कुछ डेट्स में भी इश्यूज हैं, तो बाकी मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें तो क्लियर नहीं कर रहा, सिर्फ दो चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में आगमन दो बार होगा, 1920 में होगा और 1933 में होगा। ठीक, 1920 और 1933 में होगा। 1920 में इनका आगमन होता है कलकत्ता की तरफ से, ध्यान रखेंगे ये कलकत्ता से आएंगे यहाँ। ठीक, 1933 में आते हैं ये पुणे की तरफ से, जेल से, यरवदा जेल, डायरेक्टली इधर की ओर तरफ रुक करेंगे, यानी कि पुणे। ठीक, अगर मैं मुंबई हावड़ा रेल मार्ग को देखूं, ठीक है, तो पहले यहाँ पे दुर्ग स्टेशन आएगा, फिर यहाँ पे रायपुर स्टेशन आएगा, फिर यहाँ पे बिलासपुर स्टेशन आएगा।
ठीक। तो जब वो इधर से रुक करेंगे तो पहली बार वो कहाँ उतरेंगे, रायपुर, और रायपुर से कहाँ जाएंगे, धमतरी, ठीक। और जब वो पुणे की तरफ से आएंगे तो पहले कहाँ उतरेंगे, दुर्ग, दुर्ग के बाद कहाँ आएंगे, रायपुर, और रायपुर से फिर कहाँ जाएंगे, धमतरी। जाना उन्हें धमतरी ही है, जाना उन्हें धमतरी ही है भैया, लेकिन आएंगे किधर से, पॉइंट समझो। तो दुर्ग, रायपुर, धमतरी, और इधर से रायपुर से धमतरी, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर आप दोनों को समझें और याद रखेंगे, दोनों को कंपेयर करके पढ़ें। इस डेट को यहाँ पर आए बाजीराव कृदंत ने ये दिया, ठीक, मकई बन चौक में ऐसा स्वागत हुआ, जो भी है आपको पता है क्या क्या याद करना है, ठीक है। तो 1920-1933, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 में, यहाँ पर 1920 में महात्मा गांधी के साथ किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन होता है, तो वह होगा मौलाना शौकत अली जी, ठीक। तो मौलाना शौकत अली जी का आगमन होता है 1920 में किनके साथ, गांधी जी के साथ। और ये गांधी जी 1920 में इनका आगमन किस लिए होता है, क्योंकि सुंदरलाल शर्मा की जी के द्वारा उनको आमंत्रण दिया जाता है, क्यों, क्योंकि नहर सत्याग्रह को और सफल बनाने के लिए। तो याद रखेंगे, नहर सत्याग्रह अपने आप में जो यह सत्याग्रह था, यह नहर कर के लिए नहीं था, ठीक। बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे रिसोर्सेस में कुछ गलत है, तो इन चीज़ों को हम थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी कि नहर कर के लिए नहीं था, नहर कर के विरुद्ध जो जुर्माना लगता है, ठीक, नहर कर ना देने के कारण जो जुर्माना लगता है उसके लिए यह सत्याग्रह होता है। लेकिन लेकिन गांधी जी के आगमन को ही देखकर, गांधी जी के आगमन से ही क्या हो जाता है, इस समय यह नहर सत्याग्रह स्वतः ही यह समाप्त हो जाता है, ठीक। यानी कि उनके आने के पहले यह समाप्त हो जाएगा और ये आएंगे कलकत्ता की तरफ से, यानी सीधा रायपुर, रायपुर से धमतरी। और याद रखें, जब गांधी जी पहली बार असहयोग आंदोलन के समय यहाँ पर आते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है तिलक फंड के लिए पैसे को क्या करना, एकत्र करना। यानी कि तिलक फंड के लिए उनको मुद्राएं क्या चाहिए थी, एकत्र करना चाहते थे, और उसी के एकत्रण के लिए, उसी के कलेक्शन के लिए वो छत्तीसगढ़ की तरफ रुख किए थे, ठीक, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में पहली बार महिलाओं की सक्रियता हमें असहयोग आंदोलन से दिखती है, और गांधी जी ने महिलाओं को क्या किया था, यहाँ पर आह्वान किया था कि आप भी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ठीक। चलिए, क्योंकि जब आप पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं तो सब कतरों कतरों में बटा हुआ है, ठीक, छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ है। बस आपका देखने का नजरिया होना चाहिए कि वो कैसे कैसे बटा हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया। पहला, रामदयाल तिवारी, आप सबको पता है ये रायपुर से हैं, ठीक, तो ये तो आएगा नहीं। अब पॉइंट है 2, 3 और 4, घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह, रत्नाकर झा। यहाँ पर कई किताबों में, कई स्रोतों में प्यारेलाल सिंह जो थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, वकालत त्याग की अगर जब बात हो रही थी, ठीक, तो असहयोग आंदोलन के समय वकालत त्याग करेंगे, और असहयोग आंदोलन के समय ये कहाँ पर है, राजनांदगांव में है, ठीक। 1915 के पहले जब ये रहते हैं, 1914-1913 के समय, यह वकालत दुर्ग से करते हैं क्योंकि उनको उस समय लाइसेंस नहीं मिलता राजनांदगांव रियासत होने के कारण, ध्यान रखेंगे, ठीक। बट 1920 के समय ये राजनांदगांव में होते हैं और वहीं वकालत करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि प्यारेलाल सिंह जो है वो राजनांदगांव से ही वकालत को त्याग करेंगे। रामकुमार बेहार जी की बुक और छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी की बहुत सी किताबों में इसका आंसर राजनांदगांव है, ठीक। तो यहाँ पर कथन 1 गलत होता है, कथन 3 गलत होता है। तो घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा, यानी कि 2 और 4, आंसर होगा डी, यानी घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा वकालत का त्याग दुर्ग जिले से करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, लिखित में से कौन सी जोड़ी संगठन में व्यक्तित्व से संबंधित है। पहला, सत्याग्रह आश्रम 1921 महान लक्ष्मी नारायण दास के द्वारा, बिल्कुल नहीं, यह 7 फरवरी को सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा रायपुर में स्थापित की जाती है। बी है, राष्ट्रीय पंचायत रायपुर 1921 जस्करा डागा जी के द्वारा, ठीक। सी है, गांधी आश्रम धमतरी 1922 छोटेलाल श्रीवास्तव जी के द्वारा, और डी है, राष्ट्रीय युवक संघ बिलासपुर 1922 भगवान दीन के द्वारा। तो याद रखेंगे प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13 का जो आंसर होगा, किसका, प्रश्न क्रमांक 13 का जो आंसर होगा वह होगा बी, राष्ट्रीय पंचायत रायपुर 1921 जस करड़ डागा जी के द्वारा यह
संस्थापित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने प्रश्न 13 देखा है, और इसके पश्चात कल जब मैं बात करूँगा तो मैं सिहावा जंगल सत्याग्रह से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, सिहावा जंगल सत्याग्रह बताऊँगा। सिहावा जंगल सत्याग्रह के बाद मैं यहाँ पर झंडा सत्याग्रह के बाद मैं बात करूँगा स्वराज पार्टी के बारे में भी, और सभी ने यानी आने वाले टाइम में मैं सिर्फ 2 वीडियो और आपको दूंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो प्लीज़ धीरे धीरे इसको करिए, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।